वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल दैट इज द चीव आईएएस। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो बहुत ज्यादा हम पढ़ते हैं कि पार्टीशन 1947 में हुई, इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री थी जो डिवाइड होके बाद में इंडिया और पाकिस्तान बन गई, जिसमें पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था, और अब जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा है वो बांग्लादेश है। तो बहुत बार मन में क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेटली हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टीशन, किसकी वजह से ये पार्टीशन हुई। और इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। कोई कंट्रोवर्सी किसी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करती है, कोई कंट्रोवर्सी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करती है। तो आज का पर्पस बेसिकली यही है कि समझना कि असल में किसकी गलती थी, किसकी वजह से ये पार्टीशन जो हमें इंडिया हमें देखनी पड़ी है। तो देखिए, एक एक तरह की ये वो घटना थी जो इंडियंस कभी नहीं भूल सकते, चाहे आज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भूल जाएं इस चीज को, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज हम फील करते हैं पाकिस्तान के लिए, वो कभी भी पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं फील कर सकता। उसका रीजन ये है कि बिकॉज अब उनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है बींग पाकिस्तानी, तो सर्टनली वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो और फिर उनकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को कोई लॉस हो। और सर्टनली इधर से जो इंडिया की साइड से ऐसी फीलिंग है कि ये कंट्रीज फिर से एक हो जाएं, बिकॉज सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है। तो अल्टीमेटली आज हम आंसर करेंगे इस चीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 बहुत ही सुनी हुई डेट है, आपको सभी को पता है हमारा इंडिया इस दिन आजाद हुआ था। हमारी जो 200 साल फ्रीडम स्ट्रगल चली, उसका अल्टीमेट रिजल्ट 15 अगस्त 1947 को मिला हमें। लेकिन ये जो रिजल्ट मिला वो बहुत ही ज्यादा, ये जो आजादी मिली वो एक बहुत बड़े कोस्ट पे आई इंडिया की यूनिटी पे। बिकॉज दोस्तों 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन था जिस दिन अकेली इंडिपेंडेंस नहीं आई, इस दिन इंडिया डिवाइड हो चुका था, बढ़ चुका था। इंडिया का काफी बड़ा हिस्सा जो था टेरिटरी का, वो अब पाकिस्तान बन चुका था। और जब भी हम पाकिस्तानीज को देखते हैं, चाहे हम इंटरनेट पे देखें या यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखें या फेसबुक पेज अगर आप फॉलो करते हो, तो उनका देखिए वो देखते भी हमारे जैसे हैं, उनका कल्चर भी लगभग सेम लगता है हमारे जैसा, और वो उनका खाना, उनका कुजीन जो है वो भी सेम है, वे ऑफ लाइफ भी लगभग बिल्कुल काफी हद तक हमारा उनसे मिलता है। तो एक तरह से जो हमें फीलिंग आती है, एक नॉस्टैल्जिया आ जाता है कि काश इंडिया फिर से एक हो जाए। तो देखिए, इस नोस्टैल्जिया के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंडिया को क्यों पार्टीशन अल्टीमेटली करनी क्यों पड़ी, और कौन रिस्पॉन्सिबल था, और क्या ये पार्टीशन इस पार्टीशन की वजह से जो खून खराबा हुआ इसको रोका जा सकता था, और हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये जो चीज है इसको हम अंडू कर दें, जो जो ऑलरेडी हो चुकी है इसको हम किसी तरह से हटा के जो 1947 से पहले वाली सिचुएशन है वो ले आए। तो आज इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपकी ये क्वेरीज को मैं आंसर कर सकूं। तो दोस्तों बात करते हैं, आप देख सकते हो पार्टीशन के टाइम की मैंने एक दो पिक्स यहाँ पे फोटोग्राफ जो इंक्लूड किए हैं, तो लोग ऐसे लेटे हुए हैं, तो आप देख सकते हो कैसे ट्रेन भर भर के जा रही थी। और ये एक बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ ग्लिम्स है आपको, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं 1947 के टाइम वीडियो लेके रिकॉर्ड कर रहा था कि कैसे था, लेकिन ब्रॉड जो लिटरेचर है, जो जो उस टाइम की जो एक तरह से फोटोग्राफ्स ली गई हैं नेट पे आप देख सकते हो, तो मैंने एक दो फोटोज उठाई, लेकिन आप देख सकते हो कि कई ट्रेन ऐसी थी जिसमें इधर से लोग काट के भेजे जा रहे थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से हिंदू काट के यहां भेजे जा रहे थे, हम मुस्लिम काट के भेज रहे थे। तो बहुत ज्यादा जो वायलेंस थी उसका डर्टी लेवल पहुंच चुका था। हम ये नहीं बोल सकते कि अकेली मुस्लिम्स ने वायलेंस की, इस वायलेंस के लिए हिंदूज और सिख सारे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। इनफैक्ट आज के टाइम में हम पंजाब में मोस्टली जैसे देखते हैं कि पंजाब में 15 अगस्त को एक ट्रेंड चल पड़ा है सोशल मीडिया पे ब्लैक डे मनाने का, कि इस दिन तो पंजाब में खून खराबा हुआ था। लेकिन शायद जो लोग ब्लैक डे मनाते हैं वो ये भूल गए हैं कि जब 1947 के टाइम आप भी उन्हीं लोगों में से थे जो लोग काट काट कर आप भेज रहे थे उधर पाकिस्तान वाली साइड, और आपके अपने ही थे जो उधर से कट कट के आ रहे थे। तो ये शायद अब इन लोगों को भूल गया है कि आजादी कैसे मिली है, तभी ये ब्लैक डे मनाते हैं। चलो इसकी साइड हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये बात है, आप देख सकते हो।
तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए रीजंस क्या थे पार्टीशन के। अब मैं चार बड़े रीजन आपको गिनाऊंगा, चार या पांच बड़े रीजन। तो पहली बात हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की और मोहम्मद अली जिना की। जो जो मुस्लिम लीग है और मोहम्मद अली जिन्ना है, इस लीग में पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान को बनवाने में। तो सबसे बड़ी जो गलती हुई है, अगर हम कहें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। सर्टेनली सारी गलती इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप की गलती है कि वो जो थ्रेट था मुस्लिम लीग की फॉर्म में या मोहम्मद अली जिन्ना की फॉर्म में, उसको इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। जैसे 1920s में जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने जिन्ना को इग्नोर किया। उनको लगा कि देखिए वो डायरेक्टली मुस्लिम्स के साथ, जैसे उनकी गांधी जी की एक तरह से इंट्रैक्शन थी और मासिस के साथ, वो उनको लगा कि वो मुस्लिम्स के साथ भी ऐसी इंट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन 1930s में भी ऐसे ही जो पंडित नेहरू थे, उनको ये लगा कि जो मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा बिलीव करेंगे उनकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में, रैदर देन ऑन अ पार्टी विच इज़ बेस्ड ऑन फेथ। तो एक तरह से ये गलत फहमी थी बहुत गांधी जी को भी और पंडित नेहरू को भी। और इनफैक्ट 1930s में ऐसा टाइम था कि जिना जो था, मोहम्मद अली जिना जो थे, वो डील करने के लिए राजी था। उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना के पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं थी मुस्लिम्स की। अगर हम बात करें 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस की, तो 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंस में जो कांग्रेस है वो क्लियर मेजोरिटी से जीती थी, और जो बंगाल और पंजाब वाले प्रोविंसेस हैं इनमें कुछ मेजोरिटी कम थी, और इन्होंने फिर भी कोअलिशन वगैरह करके गवर्नमेंट बना ली। तो उस टाइम पे जिन्ना विलिंग था डील करने के लिए, और इनफैक्ट जिन्ना की पार्टी मोहम्मद जो आपकी मुस्लिम लीग है, उन्होंने बंगाल में प्रपोजल भी रखा कांग्रेस के आगे कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको क्या करेंगे, हम कोअलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे और बंगाल को रूल करेंगे। और उस टाइम पे कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की एडवाइस को इग्नोर कर दिया। शायद अगर देखिए, अब इस चीज का तो कहना गलत होगा, बिकॉज हिस्ट्री का पर्पस, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ ये बताता है कि जो हुआ उसका उसका इम्पैक्ट क्या था, उसके कॉजेज क्या थे, और उसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले। लेकिन अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो ऐसी चीजों में हिस्ट्री डील नहीं करते। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि अगर 1937 के टाइम पे, 30s के टाइम पे, जब जिना वाज विलिंग टू मेक अ डील, अगर कांग्रेस की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आता, तो माइट बी जो जिना की एक तरह से एलिनेशन हो गई थी कांग्रेस लीडरशिप से, वो ना हो पाती। और इनफैक्ट जब 1940s का टाइम आया, उस टाइम पे मोहम्मद अली जिना और मुस्लिम लीग बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। अब 1930s में उनकी वीक पोजीशन थी, इतनी पॉपुलर सपोर्ट नहीं थी उनकी। लेकिन 1940s में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। 1946 के इलेक्शंस होते हैं, जो मुस्लिम सीट्स जो रिजर्व्ड होती हैं मुस्लिम्स के लिए, उनमें जो 119 सीट्स बंगाल में रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम लीग ने 114 उनमें से जीत ली। और इसी तरह हुआ यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी, उन्होंने 54 आउट ऑफ 66 सीट्स जो उनके लिए रिजर्व थी वो जीती। तो एक तरह से 1940s के, जब हम अगर हम बात करें 1946 तक देखें, तो इस टाइम पे जिना की सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब जिना के पास मुस्लिम्स की एक तरह से लीगल अथॉरिटी थी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करना। तो जब किसी बंदे की फैन फॉलोइंग होती है, तब तो ऑब्वियसली वो कुछ कुछ किसी को कुछ जानता नहीं है, बिकॉज आपने उसको उस टाइम पे इग्नोर किया जिस टाइम पे उसकी पॉपुलर सपोर्ट नहीं थी। अब वो पॉपुलर सपोर्ट ले चुका था, अब वो उसके पास एक तरह से बार्गेनिंग पावर थी, वो कुछ भी कर सकता था। तो देखिए इसमें ऐसा ही हुआ। अब हम अगर हम बात करें 1946 के इलेक्शंस की, तो 1946 के जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने तो जो प्रोग्रेसिव इश्यूज हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स लेके आने की बात करी, वर्कर राइट्स लेके आने की बात करी, फंडामेंटल राइट्स लेके आने की बात करी। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, उसने सिर्फ एक एजेंडा पे इलेक्शन लड़े, वो थे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो एजेंडा था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली जब वो पावर में आते हैं, जब इतनी सीट्स वो जीतते हैं, तो ऑब्वियसली उनका पर्पस क्या होगा, सारी एनर्जी उस तरफ डायरेक्ट करनी कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से हासिल किया जाए। तो जिना ने तो कैंपेनिंग करते हुए ये भी बोला था कि इलेक्शंस अपने आप में एक शुरुआत है एंड की, तो आप इस एंड को किसी भी तरफ लेके जा सकते हो, इस एंड को आप पाकिस्तान बनवाने के एंड तरफ भी लेके जा सकते हो, और इस एंड को आप एक तरह से
अपना मुस्लिम्स का एक तरह से थ्रेट वाला जो सिस्टम है कि मुस्लिम्स का एक तरह से फिनिश होने वाला काम उस तरफ भी लेके जा सकते हो। तो एक तरह से जो इलेक्शन लड़ा गया था मुस्लिम लीग के द्वारा वो पाकिस्तान के इशू के इर्द गिर्द लड़ा गया था। तो अब ये बात तो मैंने आपको बताई, और सेकंड रीजन अगर हम बात करें तो वो क्या था। सिंपली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्ना जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत थे। तो उनका जो मैंने आपको बताया कि 1940s आते आते उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि वो किसी भी कीमत पे पाकिस्तान की डिमांड को छोड़ना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट जो आपका 1940s का टाइम है, उस टाइम पे बहुत सारे प्लान आए जो यूनाइटेड इंडिया के लिए आए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे प्लान भेजे, इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि इंडिया डिवाइड हो, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स भेजे जिसमें एक यूनाइटेड इंडिया का प्रपोजल था और जिसमें मुस्लिम्स की डिमांड्स को किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट किया जाना था। लेकिन जिना पाकिस्तान के अलावा कोई और बात कर ही नहीं रहे थे। और इनफैक्ट जब कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने आपकी जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर और उनके एक और मेंबर थे इस क्रिप्स मिशन के, तो जब उन्होंने डिमांड फॉर पाकिस्तान जो थी वो रिजेक्ट कर दी, तो जो मोहम्मद अली जिना और मुस्लिम लीग गया, उनको लगा कि उनके हाथ से ये इश्यू निकलता जा रहा है, और अगर पाकिस्तान लेना है तो उसको अब बातें करने का टाइम नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है। और इनफैक्ट जिना ने इतना इमोरल एक्शन लिया, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया 16 अगस्त 1946 को। तो दोस्तों जैसे नाम से क्लियर है, उनके जो पार्टी के कैडर्स थे उन्होंने ये मैसेज लोकल लेवल पे, रिमोट लेवल पे, रूरल लेवल तक लेके गए। और 16 अगस्त 1946 से शुरू होता है वो ट्रेन, वो एक तरह से जो डेडली ट्रेन हम बोल सकते हैं कि रॉयट्स की, वो स्टार्ट होती है। तो आपको मैं एक इमेज से यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। तो ये एक फोटोग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी डेड बॉडीज पड़ी है। ये कैलकाटा स्ट्रीट, कलकत्ता की स्ट्रीट में ये की फोटोग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि वल्चर जो है वो फीड कर रहे हैं इन इन डेड बॉडीज पे, ह्यूमन डेड बॉडीज पे। कहीं किसी का पैर पड़ा है, कहीं किसी ये देखिए आप बॉडी पड़ी हुई है, और देखिए यहाँ पे पैर किसी का, कहीं पैर पड़ा है, कहीं कुछ और पड़ा है। तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई। डायरेक्ट एक्शन की वजह से क्या हुआ, इन जो आपका इस ये साइड वाला, ये वाला हिस्सा भी जो बांग्लादेश बन चुका है, तो इस वाले एरिया में मुस्लिम्स डोमिनेटेड थे। तो मुस्लिम्स ने हिंदूज के अगेंस्ट जो राइटिंग की, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपके यूपी और बिहार बेल्ट में जो हिंदू मेजोरिटी में थे, उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट राइटिंग स्टार्ट कर दी, और ये फैलते फैलते पंजाब तक फैल गया। तो ऑल ओवर द कंट्री राइटिंग फैली, और इतनी ज्यादा राइटिंग जो आपके दंगे हुए कि एक साल तक थम नहीं पाए। तो इससे एक तरह से सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकलती हुई नजर आई। और जैसे कांग्रेस पहले सोच रही थी कि पार्टीशन नहीं करनी पड़ेगी, पार्टीशन को रोका जा सकता है, वो भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करती हुई नजर आई कि अब जो पाकिस्तान की इनएविटेबिलिटी है उसको कोई भी ऐसे नकार नहीं सकता। बिकॉज इतनी वायलेंस हो चुकी थी कि कोई भी पार्टी ये चाहती थी कि किसी तरीके से इस वायलेंस को रोका जाए, और कांग्रेस भी इनफैक्ट यही चाहती थी। तो बेसिकली दोस्तों तीसरे रीजन की बात करें तो पार्टीशन ऑफ इंडिया में देखिए ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल तो बहुत ज्यादा थे। मैंने आपको पहले बोला कि ब्रिटिश यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, ब्रिटिश इंडिया को तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इससे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ब्रिटिश की पॉलिसी यही रही है। जब वो इंडिया को छोड़ रहे थे, अब देखिए ब्रिटेन में थी डेमोक्रेसी, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी थी, और वो आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते थे, सेक्युलरिज्म की बात करते थे। और वो जब इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो वो अपने ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देना चाहते थे कि हिस्ट्री उनको याद करे कि इन्होंने इनकी इनकी जो इन्होंने इतनी ज्यादा अपनी पॉलिसीज जो हेट भरी इंडिया में चलाई कि दो एक के धर्म के बेसिस पे दो देश बन गए, हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे। तो ये चीज ब्रिटेन नहीं चाहता था। चाहे पहले पॉलिसी उनकी जो जो थी वो यही थी कि किसी तरीके से इन दोनों जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनको लड़ाया जाए, और खुद के रूल को यहाँ पे स्ट्रोंग किया जाए, और जितना लंबा खींचा जा सके उतना लंबा खींचा जाए।
तो हमेशा से पॉलिसी उनकी रही है हिंदूज और मुस्लिम्स को लड़ाना। हालांकि एंड में उनकी पॉलिसी ये थी कि इंडिया यूनाइटेड रहे, ताकि वो भी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम ना आए कि इन्होंने एक गंदी पॉलिटिक्स खेल के रिलीजन के बेस पे देश बंटवा दिए। तो आपको पता होगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 1905 में, तब से और मुस्लिम लीग बनी 1906 से, और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। और ओवरऑल जो कॉलोनियल पॉलिसी थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी, वो यही थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स को लड़ाया जा सके। तो ये ऑब्वियसली अब इतनी देर से आप बीज बो रहे हो एक तरह से हेट का, और उसका रिजल्ट तो अल्टीमेटली उसका उसने कल्मिनेट तो करना था, उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था वो तो दिखना था, और वो दिखा किस में, राइटिंग की फॉर्म में और पार्टीशन की फॉर्म में। इनफैक्ट मार्च 1925 में जो हमारे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो भारत के वाइसरॉय को लिखते हैं कि आई हैव ऑलवेज प्लेस्ड माई हाइएस्ट एंड मोस्ट परमानेंट होप्स अपॉन द अटर्निटी ऑफ क्रिमिनल सिचुएशन। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे उन्होंने अपनी होप्स जो थी वो इस क्रिमिनल सिचुएशन पे बना के रखी हुई थी कि जितना इनको लड़ाया जा जा जाए उतना कम है, बिकॉज उतनी हमारा जो रूल है इंडिया पे स्ट्रॉन्ग होगा और उतना लंबा खींचा जाएगा। तो देखिए, ये तो थर्ड रीजन की बात थी। अब फोर्थ रीजन की बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें लड़ाया हिंदूज और मुस्लिम्स को, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, जो इलेक्शन बेस्ड पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, तो इसकी भी कुछ खामियां हैं। अल्टीमेटली जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, वोट बैंक्स बनते हैं, आपको वोट्स लेनी होती हैं जिसको सिक्योर करके आपको पावर में आना होता है। तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये एक तरह से इनकरेज करती है कम्युनिटी वोट बैंक्स को। तो कम्युनिटी की तरह एक तरह से मतलब लीडर्स वोट्स मांगते हैं अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के बिहाफ से। जैसे मान लीजिए कि मैं कल को, अगर मैं सपोज करो मैं हिंदू हूं, तो मैं अगर इंडिया में, तो चलो हिंदू को छोड़िए, कोई कास्ट को बिलोंग करता हूँ, तो मैं सर्टनली अपनी कास्ट वालों को अपील करूंगा कि आप मुझे इलेक्ट करिए, मैं आपके इंटरेस्ट प्रमोट करूंगा। तो ऑब्वियसली कम्युनिटी वोट बैंक्स जो होते हैं वो प्रमोट होते हैं। तो ये जो मॉडर्न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट था कम्युनिटी वोट बैंक्स, और इसमें जो था, इसके रिजल्ट की वजह से मुस्लिम्स जो थे उनको वो बहुत ज्यादा परसुएड होते हुए नजर आए टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडीड मुस्लिम्स। और इनफैक्ट कल अकेले मुस्लिम्स नहीं थे, हिंदूज भी बहुत ज्यादा अपने ऊपर अपने अपने को लेके कंसर्न नजर आए। जैसे उस टाइम पे अगर हम बात करें 1947 के पहले, तो बहुत सारी ऐसी एक्सट्रीम हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी बन चुकी थी जो हिंदूज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करती थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्लेम करती थी कि आप हमेशा हिंदूज के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करते हो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के साथ। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको जितना अवॉइड किया जा सके उतना किया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरह से चक्की की तरह पिस रही थी। जो मुस्लिम लीग थी उसको ये बोलती थी कि ये हिंदू बॉडी है, ये हिंदूज के इंटरेस्ट के को लेके चलती है, और जो हिंदूज थे वो जो एक्सट्रीम हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो, वो कांग्रेस को ब्लेम करते थे कि आप मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को ज्यादा देखते हो। तो दोस्तों इसमें अब मुस्लिम लीग ने जब बात करनी शुरू हुई अब कम्युनिटी वोट बैंक्स की, तो मैंने आपको बताया कि 1946 के इलेक्शन कैसे लड़े गए, सिर्फ इस बेसिस पे कि जो इस्लाम है वो डेंजर में है, और अगर हमने अभी अगर अगर मुस्लिम्स ने अभी अपनी यूनिटी नहीं दिखाई तो हमें क्या हो, पहले तो अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी, और अब क्या होगा फ्यूचर में, ब्राह्मण बनिया राज की जो गुलामी है वो झेलनी पड़ेगी। तो ये मुस्लिम लीग ने ये कॉल दे के 1946 के इलेक्शंस लड़े। तो जब इलेक्शंस लड़े तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि कितनी सारी उन्होंने सीट्स जीती। तो ये तो रीजंस हो गए। अब सिंपल बात है दोस्तों, पार्टीशन जो थी, अब मैंने रीजन आपको बता दिया कि ठीक है, ये चार रीजन रिस्पॉन्सिबल थे पार्टीशन के लिए। अब पार्टीशन एक तरह से इनएविटेबल बन चुकी थी। जैसे आपके दंगे हुए 16 अगस्त 1947 को, 46 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया, और जिना मानने के मूड में नहीं थे, और जो जो एक तरह से क्लियर फेलर था, और इंडिया को साथ में जोड़ के नहीं रखा जा सकता था।
तो अब पार्टीशन एक तरह से सच्चाई बन चुकी थी। तो अब सच्चाई तो चलो बन चुकी थी, लेकिन जब उसके रिलेटेड जब पार्टीशन हुई, तो आपको भी पता है, आप भी अपने पेरेंट्स से सुनते होगे या कहीं और से सुनते होगे कि पार्टीशन के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंस हुई। हिंदूज मुस्लिम्स को मार रहे थे, मुस्लिम्स हिंदूज को मार रहे थे, सिख्स मुस्लिम्स को मार रहे थे, मुस्लिम सिख्स को मार रहे थे। तो बहुत ज्यादा एक तरह से हेट भरा माहौल था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये जो चीज थी, इतनी वायलेंस थी, इसको कम भी किया जा सकता था? क्या ये जो वायलेंस हुई, क्या उसको अवॉइड भी किया जा सकता था? तो दोस्तों, एक इसका सिंपल आंसर अगर मेरी नजर में है, तो मैं ये कहूंगा कि इसको कम किया जा सकता था या शायद नहीं भी। वो डिपेंड करता था सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज अल्टीमेटली हिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? हिस्ट्री जो हुआ उसको बताने पे डिपेंड करती है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे होता तो ऐसे हो सकता था। तो लेकिन फिर भी एक तरह से हैबिट होती है हिस्टोरियंस की कि फिर भी डील करना है एक बात को समझ के कि हाँ, अगर ऐसे होता तो शायद ऐसा होता। तो वो वाली पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे लेके आनी चाहता हूँ। तो अगर हम बात करें 20 फरवरी 1947, तो जो लेबर गवर्नमेंट है जो ब्रिटेन में बनती है, वो अनाउंसमेंट करती है कि हम इंडिया से विदड्रॉ कर जाएंगे बाय जून 1948। मतलब इस डेट से आप देख सकते हो कि उन्होंने टाइम दिया कि आफ्टर आफ्टर 16 मंथ्स, मतलब विद इन 16 मंथ्स दे वुड बी विदड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों, जब ये बात हुई, चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। और इस अनाउंसमेंट में ये भी कहा गया कि लॉर्ड जो वेवल हैं, अभी जो वाइस रॉय हैं, उनको रिप्लेस करके एक नए वाइस रॉय को लाया जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को, जो फाइनलाइज करेंगे टर्म्स जिस पे पावर ट्रांसफर की जाएगी इंडिया को। तो ये जो अपने नए वाइस रॉय साहब हैं, वो 22 मार्च 1947 को अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं। और 2 मई को, और 22 मार्च को जब ये ऑफिस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और डिफरेंट पार्टीज से मिलते हैं कि कैसे टर्म्स को फाइनलाइज किया जाए जिससे ट्रांसफर ऑफ पावर हो। तो वो सारी जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करके जो 2 मई को वो भेजते हैं अपने एक मेंबर के थ्रू लंदन में अप्रूव करवाने के लिए। और उसमें क्या था, पार्टीशन का प्लान भी था। तो वहां से उनको अप्रूवल मिल गया, लेकिन जब वो वापस अप्रूवल इंडिया में आया तो उसको दोबारा से उसमें चेंजेस करने पड़े ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की डिमांड्स को एडजस्ट किया जा सके। मतलब जो प्लान था वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। अब जब प्लान बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था, तो जरूरत थी फिर से ब्रिटिश कैबिनेट का अप्रूवल लेके आने की। अब अप्रूवल कौन लेने गया? इस बार लॉर्ड माउंटबेटन खुद गए, वो वहां पे गए, अप्रूवल लेके आए। और जब वो वापस आए, वो आए 3 जून 1947 को। तो आप देख सकते हो 20 फरवरी 1947 को वो अनाउंस करती है गवर्नमेंट कि हम आपके जून 1948 से विदड्रॉ कर लेंगे। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन इंडिया पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह उठ के बोलते हैं कि हम इंडिया से मिड अगस्त तक विदड्रॉ कर जाएंगे। मतलब अब आप देख सकते हो सिर्फ कितने दिन बीच में, सिर्फ 42 टू 43 4 डेज। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 40 से 45 दिन के बीच में ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया कि हम विदड्रॉ कर जाएंगे। ऑब्वियसली जो इतने सालों से बनाया एम्पायर था, जो जिसको बनाने में सदियां लगी थी, अभी एक तरह से नियर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगे थे, 150 या जितने भी ईयर लगे थे, उसको अब विड्रॉ करने के लिए ब्रिटिश सिर्फ 45 दिन की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें बात यहाँ पे ये चीज इंक्लूड करने की क्या है, यहाँ पे बात इस चीज की मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये जो डिसीजन है वो माउंटबेटन के द्वारा खुद लिया गया, लेकिन ये डिसीजन का कितना इम्पैक्ट था वायलेंस पे, अब इसकी बात करनी है। तो दोस्तों, माउंटबेटन के अगर बायोग्राफर की बात करें, उनके खुद के पर्सनल बायोग्राफर की, तो वो उसका कहना ये है कि उसने माउंटबेटन के डिसीजन को इस तरह सेफगार्ड किया, उसको इस तरह डिफेंड किया कि अब देखिए, वो बोल रहा है कि पार्टीशन तो अब होनी ही है, जितनी ज्यादा लेट होगी पार्टीशन, जितनी जितना ज्यादा टाइम लगेगा ट्रांसफर ऑफ पावर में, उतना ज्यादा टेंशन होगी। बिकॉज अब लोगों को पता तो है कि हमें माइग्रेट करना है, ऐसे ऐसे पार्टीशन होनी है, तो फिर हम माइग्रेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन में क्या होगा, जो वायलेंस होगी वो भी बढ़ेगी। और इस वायलेंस को कम किया जा सकता है पार्टीशन को, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अनाउंस करके, और ट्रांसफर ऑफ पावर को अनाउंस करके। अब देखिए, इसमें बात ये है कि अब लगता तो सही है कि हाँ देखिए ऐसे भी हो सकता था, लेकिन
बात ऐसे भी हो सकती थी कि जितना लेट होता उतने ऑर्डरली तरीके से आपकी जो माइग्रेशन है वो हो पाती। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे किसकी बनती थी? उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी पावर में, इंडिया में सारे रिसोर्सेज उसके पास थे, लेकिन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एक तरह से इनडिसिजिव नजर आई, जो क्रिमिनल वायलेंस है उसकी अगेंस्ट एक्शन लेने के। जब देखिए अब डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे होता है और जो क्रिमिनल राइट्स होते हैं हर एक कोने में जो इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि वो एक तरह से ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ सख्ती से पेश आए ताकि जो मिलियंस ऑफ डेथ्स जो हुई थी उनको प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनडिसिसिव नजर आई, और इनफैक्ट पंजाब बाउंड्री फोर्स जो थी, जो पंजाब की बाउंड्री के ऊपर लगी हुई थी, जो नया पाकिस्तान और अपना इंडिया के बीच अब जो नई बाउंड्री थी पंजाब में, वहां पे जो बाउंड्री फोर्स थी वो बहुत कम थी। जो वहां के गवर्नर थे पंजाब के, सर इवन इवन जेनकिन्स थे उस टाइम पे, उन्होंने माउंटबेटन को लिखा कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपने तो सिर्फ 40 से 45 दिन दिए हैं कि ब्रिटिश विल विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया, लेकिन इसमें तो अगर हम बात करें कि 30 मिलियन लोग हैं अभी पंजाब में, 6 हफ्ते में इन 30 मिलियन पीपल को डिवाइड करना, जो 98 ईयर्स तक इकट्ठे रहे हैं, चाहे वो साथ में मिलके भी अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ भी दें, तब भी हम उनको एक तरह से प्रॉपरली उनकी पार्टीशन नहीं कर सकते, बिकॉज चाहे जो जितने मर्जी ऑर्डरली ऑर्डरली वे से, चाहे जितने मर्जी इफेक्टिव वे से वो साथ दें, 45 डेज इज अ वेरी 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 लेस टाइम पीरियड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिन मांगे कि देखिए इसको पोस्टपोन करिए, और जो बात उन्होंने वहां पे करी, और उन्होंने कहा कि देखिए अब उन्होंने बार बार ट्रूप्स की भी डिमांड करी कि देखिए रॉयटर्स बहुत ज्यादा राइटिंग कर रहे हैं, जो किलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आप क्या करिए ट्रूप्स भेजिए ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए। लेकिन यहाँ पे भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट आगे रखा लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के एक तरह से उनको जो प्रायोरिटी थी लोगों को लाइफ की प्रोटेक्ट लाइफ प्रोटेक्ट करने की, उसको पीछे रखा और अपने खुद के इंटरेस्ट को आगे रखा। इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो ट्रूप्स जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहिए थे वो ट्रूप्स उन्होंने ब्रिटिश सिविलियंस की प्रोटेक्शन के लिए लगा दिए, क्योंकि उनमें उनके दिमाग में एक ये बात आई अंग्रेजों के कि देखिए अब जब डेट ऑफ इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी गई है, तो अगर अब सर्टनली लोगों को पता है कि ब्रिटिश यहां से चले जाएंगे, तो कुछ जो एग्रेसिव लोग हैं वो यूरोपियंस पे भी अटैक कर सकते हैं, तो यूरोपियंस पे अटैक कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ब्रिटिश जो सिविलियंस हैं उनकी लाइफ को लॉस होगा। तो उनको बचाने के लिए जो मैक्सिमम ट्रूप्स थे, जो आम जनता को एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहिए थे, वो ब्रिटिश सिविलियंस की प्रोटेक्शन के लिए लगा दिए गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बतानी चाहता हूँ कि जो पंजाब की बाउंड्री का अवार्ड है वो देखिए रेडक्लिफ को बुलाया गया था, रेडक्लिफ कमीशन बिठाया बिठाया गया था जिसने बाउंड्री डिसाइड करनी थी, और वो 9 अगस्त को ऑलरेडी बाउंड्री डिफाइन कर चुके थे, लेकिन ये जो पंजाब बाउंड्री अवार्ड है वो 15 अगस्त के बाद पब्लिक किया गया। मतलब 15 अगस्त वाले दिन भी पंजाब में ऐसे लोग थे, चाहे वो लाहौर में, चाहे वो अमृतसर में, चाहे वो आपके चंडीगढ़ में, कहीं पे चंडीगढ़ तो उस टाइम पे सॉरी नहीं था, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो कोई और भी पार्ट हो, उसमें लोगों को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में आ रहे हैं या वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं। तो लाहौर वालों को लग रहा था, जो लाहौर के हिंदू और सिख थे उनको लग रहा था कि वो सही साइड पे बाउंड्री के, और इधर जो हमारे साइड पे मुस्लिम्स थे उनको ये लग रहा था कि हम जो हैं जो पंजाब की इधर वाली डिस्ट्रिक्ट हैं, अमृतसर हो गया, लुधियाना हो गया, जो सारी रोपड़ डिस्ट्रिक्ट हो गई जहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे, उनको लग रहा था कि वो सही साइड पे हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो एक क्लैरिटी नहीं थी। और जब 15 अगस्त के बाद ये पब्लिक किया गया तो उसके बाद आपको पता है कि क्या होना था, उसके बाद एक तरह से मारकाट होनी थी, और होना क्या था। और माउंटबेटन ने यहाँ पे भी इतनी स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने उसमें बोला कि देखिए जितनी ज्यादा जल्दी हम पब्लिश करते उतनी ज्यादा जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ती इस डिस्टरबेंस की, क्योंकि डिस्टरबेंस तो होनी थी,
अब डिस्टरबेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर पड़ती, और जितनी लेट हम अनाउंस करेंगे उतनी डिस्टरबेंस जो है वो लेट होगी और हमारे सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम आएगी, और जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी भी कम आएगी तो हमारे अगेंस्ट जो हेटफुल एक्शंस हैं वो भी कम होंगे। तो इससे क्या था, एक तरह से ब्रिटिश ने क्या किया, जो 200 साल तक जिस देश को के ऊपर रूल किया उसको एक तरह से, मतलब जब उसको आजाद करने की बारी आई तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नजर आए और खुद की प्रोटेक्शन की ज्यादा ध्यान देते को ध्यान देते नजर आए। तो ये बात थी दोस्तों आज के लेक्चर में। तो मैंने मतलब पर्पस मेरा यही था कि आपको बताया जाए कि पार्टीशन के अल्टीमेटली रीजंस क्या थे, कौन रिस्पॉन्सिबल था। अब कई लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स की, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए। तो कॉन्सिक्वेंसेज दोस्तों बहुत हैं, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेज को डील करने लगे तो वो तो अभी हम मैं ये कहूंगा कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस को अभी बता पाना भी बहुत जल्दी होगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि पाकिस्तान और इंडिया में कितने डिस्प्यूट्स हैं। अभी हम 3 वार्स लड़ चुके हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं हम, एक दूसरे से कितनी हमारी ज्यादा लड़ाई है, कश्मीर डिस्प्यूट कितना ज्यादा है, और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कश्मीर इशू पे कैसे मोल्डेड हैं, जो इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट है, और कैसे चाइना पहले जैसे यूएसए यूज करता रहा पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ, अब चाइना एक तरह से यूज कर रहा है इंडिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, ताकि किसी न किसी तरीके से इंडिया को डिस्टर्ब रखा जा सके पाकिस्तान के थ्रू। तो वो चीजें, इसका इम्पैक्ट अभी भी बताना बहुत जल्दी होगा। वो तो ऑब्जर्व करते रहिए, अब जो हो चुका है उसको हम कर तो क्या सकते हैं, लेकिन बात वही है कि देखिए अलग तो हो गए लेकिन सेम थे, ये फीलिंग भी हम में आती है, लेकिन उन लोगों में नहीं है जो अलग हो चुके हैं, जिनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, जो अब पाकिस्तानी बन चुके हैं। हम जरूर फील करते हैं इंडियंस कि वो हमारे हैं, लेकिन वो कभी नहीं फील करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यूनिटी का तो अभी सवाल नहीं पैदा होता कि एक हो जाए देश, बस पॉसिबल एक हम बस ये बात बोल सकते हैं कि चलो हम ये दुआ कर सकते हैं कि हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पीस वाला जो इन्वायरमेंट है वो जल्दी से आए, लेकिन इसके लिए भी दोनों तरफ से एफर्ट होने चाहिए। अकेला इंडिया कुछ नहीं कर सकता, अकेला पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा ईयर लॉन्ग टाइम टेबल जो 2020 की यूपीएससी की प्रेपरेशन के लिए है वो हम तैयार कर चुके हैं, और अगर आप हमारे टाइम टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, बस लास्ट रिक्वेस्ट आपको ये है कि प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, प्लीज शेयर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगी, और आल्सो इंश्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुक्रिया दोस्तों, हैव अ नाइस डे।